मेरी वाणी पर लोभ भय कोरी भावुकता अविवेक का एक प्रतिशत भी प्रभाव नहीं है। थोड़ा ध्यान पूर्वक और धैर्य पूर्वक सुनिए। इससे पहले जो आजकल हमारे लाडले प्यारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 3 दिनों की अवधि में गोरक्षक गुंडे शब्द का प्रयोग किया था। ये वो भक्ति का परिचय था क्या? मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। उनका जरा डोजियर तैयार करो, 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। आप लोग गुलाबकार नहीं समझता क्या था या नहीं, 3 दिनों में बीच के एक दिन छोड़ के गोरक्षक गुंडे आगे मान उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री की बात को अपने शब्दों में उद्घोषित किया कि गोरक्षक गुंडों को दंड मिलना चाहिए। अब व्यावहारिक धरातल पर हिंदुओं को फिर गोरक्षकों को तो लुंज पुंज किया गया है, अधिक से अधिक कोई उसकी आंखों के सामने गाय उत्पीड़ित हो तो गाली दे देगा या चांटा दिखाएगा या आंख दिखाएगा, उससे अधिक तो कुछ उसके पास है नहीं, तो आप जानते हैं। जब प्रधानमंत्री के पद पर आरएसएस के स्वयंसेवक रहने वाले वो हथियारों के लिए कोई शब्द का प्रयोग करते तो उनके हौसले पस्त होते। गोरक्षकों के हौसले पस्त कर दिया प्रधानमंत्री ने और न्यायालय ने उस पर मोहर लगा दिया। मोदी जी भी मेरे सामने बाल गोपाल के समान बैठे, मैं एक संकेत करता हूँ बहुत सुशील विनम्र होकर, ये कौन सी गो भक्ति है?